जिला मंडी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष इंदु गोस्वामी का विपासा सदन मंडी में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष इंदु गोस्वामी अपने संबोधन में कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है। इंदु गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के हित के लिए अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार सत्तासीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनका मानना है कि प्रदेश सरकार ने विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में महिलाओं पर अत्याचार होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह महिलाओं पर हमेशा तंज कसते रहते हैं और महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गुड़िया प्रकरण पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस बार महिलाएं प्रदेश में कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विधानसभा चुनावों में भाजपा 60+ का आंकड़ा पार करेगी। आज महिला सम्मेलन हो रहा है और मंडी ऐसे ही पूरे 50 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन कर चुकी है और उन्हीं में से एक ये सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम उद्देश्य लेकर महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। देखो, पिछले 3 साल से केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में महिलाओं के लिए जो योजनाएं चली हैं, कार्यक्रम चले हैं, नीतियां निर्णय लिए गए, उनके बारे में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा जो है, पिछले 5 साल वीरभद्र सिंह की जो सरकार प्रदेश में सत्तासीन है, सरकार की नाकामियों के बारे में महिलाओं के बीच में जाके हम लोगों को उनका प्रचार प्रसार करने पिछले 5 सालों